हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल अंकुश शर्मा पे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आप अपने प्लेयर को यानी अपने करेक्टर को स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको अपने करेक्टर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत ज़्यादा गोल्ड चाहिए होंगे। तो ये जो गोल्ड होते हैं हमारे, ये आपको काफ़ी सारे कलेक्ट करने पड़ेंगे अपने एक करेक्टर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो चलिए हम करेक्टर में जाते हैं और हमारे पास देखते हैं मेरे पास कौन कौन से करेक्टर हैं। तो ये सारे मेरे पास करेक्टर हैं। मिगेल है, किकलीला है, ओलिविया है और एंड्रयू है। और ये जो दो नॉर्मल करेक्टर होते हैं, ईव और एडम, ये दोनों तो है ही मेरे पास। तो देखते हैं, मैं अपने सबसे स्ट्रॉन्ग करेक्टर को सबसे लास्ट में दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं ओलिविया को दिखाता हूँ। तो ये ओलिविया है मेरी, ये लेवल 3 पे है। तो आपको करेक्टर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उसका लेवल बढ़ाना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि अभी ये लेवल 3 पे है। तो मैं दिखाता हूँ आप कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाते हैं। तो ये लेवल 3 पे है अभी, और लेवल 4 पे बनाने के लिए आपको इसके लिए 4500 गोल्ड कॉइन चाहिए होंगे। आप ये सब डायमंड से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कॉइन को यूज़ करें, क्योंकि कॉइन कमाना ज़्यादा आसान होता है। उसके अलावा आपको प्लेयर को खेल खेल के उनके फ्रैगमेंट लेने होते हैं, जिनको कहते हैं करेक्टर फ्रैगमेंट। वो करेक्टर फ्रैगमेंट आपको तभी मिलेंगे जब आप उस प्लेयर के साथ खेलोगे। तो अभी मेरे ओलिविया के लिए लेवल 4 के लिए ना ही फ्रैगमेंट हुए हैं ना ही गोल्ड हुए हैं। उसके अलावा आप स्किल स्लॉट खोल के भी अपने करेक्टर को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो ये होता है स्किल स्लॉट। स्किल स्लॉट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इक्विप स्किल्स ऑफ अदर करेक्टर ओन इन स्किल स्लॉट। तो स्किल स्लॉट से ये होता है कि आप किसी और करेक्टर की जो आपकी स्पेशलिटी होती है उसको भी ले सकते हो। ओलिविया की स्पेशलिटी ये है कि आप किसी को भी ओलिविया से रिवाइव करोगे तो उसकी हेल्थ ज़्यादा बढ़ेगी, अगर आप किसी और करेक्टर से करोगे तो उतनी ही नहीं बढ़ेगी। तो ऐसे हर एक करेक्टर के अलग अलग स्किल्स होते हैं। तो बाकी करेक्टर को दिखाता हूँ मैं। तो ये मेरा कला है, मेरे को ये कला है, इसके घूंसे तेज़ लगते हैं। और ये मेरा भी लेवल 3 पे है, इसके भी कोई स्किल नहीं खोल रखा है मैंने। पहला स्किल आप 8000 रुपये में खोल सकते हैं, और दूसरा स्किल खोलने के लिए आपको 12000 रुपये चाहिए होते हैं। तो और करेक्टर दिखाता हूँ मैं आपको, चूज़ करेक्टर। ये है मेरा मिगल, ये लेवल 4 पे पहुंच चुका है और इसका भी अभी मैंने स्किल नहीं खोला है। तो इसके जो हमारा वो है वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन 8000 रुपये चाहिए अगला लेवल खोलने के लिए। अब मैं दिखाता हूँ अपना सबसे स्ट्रॉन्ग करेक्टर। तो ये है हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग करेक्टर एंड्रयू। तो ये लेवल 5 पे पहुंच चुका है। लेवल 5 पे पहुंचाने के लिए, लेवल 4 से लेवल 5 पे पहुंचाने के लिए आपको 12000 कॉइन चाहिए होते हैं और 1500 करेक्टर फ्रेगमेंट चाहिए होते हैं। मैं इनकी इनवाइट को ब्लॉक करता हूँ, डिक्लाइन। तो लेवल 5 से लेवल 6 पे पहुँचाने के लिए आपको चाहिए होंगे 20000 गोल्ड कॉइन और 3000 करेक्टर फ्रेगमेंट। 231 हो चुकी है मेरे पास। उसके अलावा मैंने इसका स्किल स्लॉट भी खोल रखा है एक, और दूसरा स्किल स्लॉट खोलने के लिए 12000 गोल्ड कॉइन चाहिए। तो स्किल स्लॉट में मैंने क्रेजी स्लेयर को ले रखा है। अगर मैं किसी भी बंदे को मारूंगा तो मेरी 60 EP बढ़ेगी। EP से आपकी हेल्थ भी रिकवर होती है और काफ़ी फ़ायदा होता है। तो ये हीलिंग टच ओलिविया का है और ये फिश डैमेज मोहो का है, लेकिन मैं क्रेजी स्लेयर के अपने स्किल लेता हूँ। अगले स्किल के बाद मैं फिश डैमेज या ओलिविया में से किसी का स्किल लगा लूँगा। तो बस आपको यही करना होता है अपने करेक्टर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। बाकी गाइस, होली फेस्टिवल भी आ चुका है, नया फेस्टिवल आया है बिल्कुल अभी अभी आया है, तो इसका एक क्लेम कर लेते हैं। तो हमको होली सिल्वर क्रेट मिली है जिसमें रीसप्लाई मैप मिला है और कुछ बैलून्स मिले हैं। 2 बैलून आए हैं हमारे पास। तो देखते हैं बैलून को कैसे रिडीम करते हैं। तो वोल्ट में जाते हैं, कंज्यूमर में जाते हैं, बैलून पे जाते हैं, और बैलून का एक्सचेंज ऑप्शन अभी नहीं आ रहा है। टोकन कैन बी यूज फॉर रिडीमिंग रिवॉर्ड्स। तो अभी जल्दी इसका ऑप्शन भी आएगा रिडीम करने के लिए, लेकिन अभी फ़िलहाल ऑप्शन नहीं आ रहा है, बाकी सबका आ रहा है। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।